यहाँ पे लिखते हैं हमने 48। अब काटने को ध्यान से सुनना, आता है तो अगर उसको डेफिनेशन पता लग जाए ना, बच्चे को क्वेश्चन आता है तो उसका वहीं पे सॉल्व हो जाता है, तो पता नहीं रहता क्या करना है। हर बार शुरू से करता है उसको, हर बार शुरू से मत करा उसको, एक बार अच्छे से बता दो होता क्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह से काट दे, काटने वाला नंबर एचसीएफ, कटने वाला नंबर एलसीएम। सर उसके बाद में बात करेंगे। ये मान लो काटता तो इसको एक भी है, एक के पाड़े में भी आएगा 24, 48, दो पे भी आएगा, तीन पे भी आएगा, चार पे भी आएगा, छह के भी 11 है। अब जो सबसे लास्ट में काटे उसके बाद कोई ना काटे उसको, 24 ये लिख दिया गलत है ना। इस सी का मतलब यही है कॉमन दोनों को, और इसका मतलब हाईएस्ट सबसे बड़ा, तो जो सबसे बड़ा लास्ट में काटेगा इसको उसके बाद कोई ना हो, जैसे 24 के बाद तो कोई डिजिट काट सकता है इनको, 48 आओ तो इसको काटेगा ये तो रह जाएगा, तो सबको काटना उसको, सिर्फ 2050 लिखो। इसको तीन तरीके से निकालूंगा मैं, पहले सबसे मुश्किल मेथड जो आपको वो भी आसानी लगेगा, सिर्फ आपने 18 कैरेक्टर बनाने रखते हैं, उसके तो बनाने ही नहीं है, 18 के कैरेक्टर के हमारे दिमाग में बन जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 6, 9, 18, 2, 3, 6, 9, 18, 2, 3, 3, ये बन गया ना 2, 3, 3, 3। उसके बनाते क्यों, इससे ज्यादा तो आंसर हो नहीं सकता, हमारा आंसर ज्यादा क्या हो सकता है, एक तो सब की पॉसिबिलिटी है, तो या तो हमारा आंसर 2 होगा, या 2 × 3 होगा, या 2, 3, 3 होगा, या 3 × 3 होगा, इनसे अलग तो कोई आंसर नहीं है ना, इनसे अलग तो कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए इसका निकालने की जरूरत नहीं है। 2 इसके फैक्टर में आता है नहीं है, तो 2 तो आपका यहीं पे खत्म हो गया, अगला चेक ही नहीं करना हमने। कई बार क्या बच्चे इसको भी चेक करने ले जाते हैं, अरे उसका फायदा क्या, लेकर तो सबको चलना है, उधर तो जाना ही नहीं हमने। उसके बाद 3 किसको काटता है, काटता है 105 को काटता है, काटता है, तो ये आपका 3 आएगा आंसर में। उसके बाद 3 × 3 = 9, 9 किसको काटता है, नहीं काटता, तो यहीं पे खत्म हो गया आपका आंसर, 3 ही रह गया। ये तो सबसे लंबा तरीका था मेरा, दूसरे में आपने क्या करना है, जो थोड़ा बोलना है दूसरा तरीका होता है, सबसे पहले तो आप छोटा नंबर ढूंढो, छोटा नंबर क्या है, छोटा नंबर क्या है, 18। अब 18 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे आपको, उससे छोटा ढूंढो, उससे छोटा क्या मिलता है आपको एचसीएफ में, कभी भी, ये तो आपको पता है कि इससे बड़ा आंसर नहीं हो सकता, लेकिन मैं उससे भी छोटा तरीका कर देता हूँ इसको, ये आपको यूट्यूब वगैरह कहीं पे भी नहीं मिलेगी ये चीजें, इसलिए मैं खुद ही प्रचार करता रहता हूँ। 18 तो आपको पता, 18 से बड़ा तो होगा नहीं, मैं उससे भी छोटा दे देता हूँ, उससे भी बड़ा भी नहीं हो सकता है, वो क्या होता है आपका डिफरेंस। सबसे बढ़िया मेथड होता है एचसीएफ में डिफरेंस, डिफरेंस कितना है आपस में, किसमें कम है, इसमें है ना, तो लॉजिकली ये बिल्कुल ये 3 से बड़ा आंसर नहीं हो सकता हमारा, 18 से नहीं, 3 से बड़ा ही नहीं हो सकता। देखो गलती से मान लो आपका आंसर 6 आ रहा है, गलती से आपने 6 निकाल दिया, 6 ने चलो 18 को तो काट दिया, 18 के बाद तो 24 को काटना चाहिए उसको, तो 21 आपका छूट जाएगा, इसीलिए इस गैप से ज्यादा का आंसर आपका कभी हो ही नहीं सकता है, और ये बात कहीं नहीं मिलेगी आपको, इससे बड़ा आंसर मिल ही नहीं सकता आपको, हो ही नहीं सकता, इम्पोसिबल है। इसने काटेगा तो इसके बाद तो उससे ज्यादा को काटेगा, अगर आपको इससे बड़ा डिफेंस से बड़ा आंसर आ रहा है तो आपके लिए आसान हो गया 3, पहले तो 3 से ही चेक कर लो, 3 काट रहा है, अगर यहाँ पे हम कुछ और लिख देते हैं मान लो 7 है यहाँ पे, तो वो 3 को नहीं काटता, तो 3 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 और 1, 3 है नहीं है तो 1 आंसर हो गया। और आपके मेथड में जो आप स्कूल में रहते हो जिसका आंसर 1 होता है वहां से शुरू करते हैं, वहां पे भी शायद पूरा नहीं होता, नेक्स्ट पेज पे ही होता आपका जो भाग विधि से कराते हो, पहले तो आप 107 को बीच में लोगे, 21 से भाग दोगे, करते रहोगे 4-5 बार आएगा, फिर आप इसको बीच में लोगे उसको, और एक जिसमें एक आंसर होता है इसमें दिखता है, इसमें मेरे मेथड में आपको एक आंसर दिखेगा, इससे भी छोटा तरीका आएगा अभी तो डिफरेंस कई बार बड़ा भी हो सकता है। जैसे मैं लिखता हूँ, देखो मैंने लिख दिया 32, यहाँ पे लिख दिया मैंने 97, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2002। चलो इसका एक्सीएम निकालना है, बच्चा तो इसको पागल हो जाएगा करते करते, ऐसे करेगा ऐसे करेगा, पता नहीं कब आएगा आंसर, लेकिन आंसर इसका एक सेकंड भी नहीं लगेगी आपको। तो मैंने क्या बोला, या तो सबसे छोटे के फैक्टर बनाओ, सबसे छोटा क्या है 32 के भी, लेकिन इसमें 2 की पावर 5 आने हैं, तो 5 बार 2 लिखोगे, इसमें तो एक भी नहीं है तो आपका खत्म हो गया, इसमें सारे 2 हैं और इसमें 1 भी 2 नहीं है तो आंसर तो 1 ही आपका, यहाँ तो आ चुका आपका आंसर, लेकिन इससे छोटा हमने क्या करना, कई बार हो सकता है इसको चेक करना पड़ जाए, ये हमने 98 लिख लिया, तो इसको मैं 2 ढूंढेंगे ना, फिर कितने कम से कम 1 तो दिख रहा है आपको, उससे ज्यादा दिखेंगे तो उसको, लेकिन उससे आसान मैं कर देता हूँ उसको। क्या करना आपने, किसी भी डिजिट को किसी भी दूसरे डिजिट के पास ले जाओ, आप डबल करके ट्रिपल करके कितना भी गुणा करके ले जाओ, अब 32 को हम यहाँ तक ले जाने के लिए कहाँ तक आ सकते हैं, 32 की 96, तो डिफरेंस कितना रहा 2, तो आपका 2 से बड़ा आंसर नहीं हो सकता इस सवाल का, हो सकता है वो यहाँ पे 96 ले देता, और इसमें भी बहुत सारे आपके वो है 2,
तो फिर आप मर जाते हो। पहले कोरे का मैं बताऊँ आपको, एचसीआर में कभी किसी का मल्टीपल मौजूद हो वो किसी काम का ही नहीं होता है, क्योंकि जितनी चीजें हमें चाहिए इसमें है, इस वाली चीजें तो सभी इसमें है ना, इससे ज्यादा किसी काम की नहीं है। इसमें एक दो है, इसमें 32 में दो, पांच बार दो है, तो काम का तो एक ही हमारा एक ही ले सकते हैं, एक दिखता तो ठीक है, बाकी तो वेस्ट है। कहने का मतलब हम 32 को काटा मार सकते हैं, 32 हमें चेक ही नहीं करना है, आगे के डिजिट को चेक करेंगे हम। यहाँ पे तो 96 हाँ जी, छोटा तो 32 है क्या कह रहे, जैसे आप कह रहे थे ना 96 वो किसी काम का नहीं होता, 96 में जो चीजें चाहिए वो 32 में है, वो चीजें तो 32 में है ना, और एलसीएम में उल्टा हो जाता है, उसमें फैक्टर किसी काम का नहीं होता, उसको अवॉइड कर सकते हो आप। जैसे मैं लिखता हूँ, देखो मैं लिख दिया 8/24/98 और 32/2002 का, तो जैसे भी आपको लिया जाएगा ना आपको, तो डिफरेंस कितना है आपके पास? आपके दिमाग में तभी आ जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो इसका आंसर, एक बार दो लिखते लिखते हो जाते हैं, देखो अनेक बार इसमें बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या निकलता है उसमें से, क्या क्या लास्ट में कॉमन तो आपको दो ही मिलता, 24 2 नहीं 48। जब इसके डिफरेंस को काटेंगे, एडिशन को भी काटेगा, इसके सबट्रैक्ट को भी काटेगा, इसके मल्टीपल को भी काटेगा, तो आपका आंसर होगा 100% काटेगा, नहीं तो आंसर ही नहीं होगा आपका। जब आपको दो काट रहा है तो जो 24 को भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इन दोनों को जोड़ोगे उसको भी काटेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो उसको भी काटेगा, इनका डिफरेंस कर दो उसको भी काटेगा, सबको काटेगा। फिर ये इसमें एक मिनट से ज्यादा लगेगी आपको, और जब बनाने आ जाएंगे तो एक मिनट भी नहीं लगेगी आपको। पांच आएगा जी, हाँ जी पांच गलत आएगा। डिफरेंस देखो पहले तो कितना आपस में, किसी का भी देख लो डिफरेंस कितना है आपस में, तो आएगा ही 15 तो 200 से कम, 5 हर बार पैसे मत कटाया करो, 5 में से 0 गई या 0 में से 5 गया पता नहीं क्या करते हो, सीधा देखो ना 1300 1500 खत्म करो इसको, 95 का फर्क है, 195 का फर्क हुआ ना, अब आंसर हमारा 195 से बड़ा नहीं हो सकता, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता, इसके फैक्टर आप आसानी से मान लो 15 आएगा। आपको क्या दिखता है, 5 तो आपको कम से कम दिखता है, 5 से तोड़ दो इसको, तो पहले तो 5 तो आएगा ही आपका, उसके बाद 5 थी 15 और इधर कितना हो गया 59, 5 नहीं है 45 हो गया ना, समझ रहे हो आप, इसको 5 से तोड़ोगे 5 तो निकल गया अलग, उसके बाद क्या मिलेगा 5 थी 15 तो 45 ही हो गया, इधर 19 में से 15 गया तो 4 45 हो रहा, उसमें 5 नहीं में 45 के फैक्टर भी कर दो उसको खत्म करके 3 और 13। अब इनसे अलग नहीं आंसर होता, या तो 5 आंसर है या 5 नहीं है 15 है 13 5 65 है, किसी को भी आप उसे मिला के आंसर है, अब चेक कर लो 5 तो है सब में, 5 तो आपके आंसर में आएगा ही आएगा, क्लियर। उसके बाद 3 से चेक कर लो, 3 भी है, आपको पता है, हां जी एडिशन करते हैं, असल में एडिशन भी मत किया करो, अगर हम आपको लिख दूं देखो 9 8 7 6 5 9 8 7 2, इसको जोड़ दो पागल नहीं हो जाएंगे, जोड़ना करना क्या करना है इसका, जहां भी आपको 3 का मल्टीपल मिले उसको छोड़ देना, साथ में मतलब उसको, ये आपको 9 ये तो किसी काम का ही नहीं है, ये 7 8 15 किसी से भी किसी काम का, 9 भी नहीं 8 भी नहीं 7 भी नहीं 2 भी नहीं, 2 रिमाइंडर रह जाएगा इसका, बस जोड़ना थोड़ी है, जोड़ के देखिए मिस्टेक कोई गलत आ जाएगा आपका आंसर।
ऐसे जोड़ देंगे 9, 8, 17, 17, 7, 24 क्यों जोड़ रहे हो? 24 से तो खत्म करो उसको। चलो जैसे 3 और 1, 4, 4, 6, 10, 5, 15 खत्म हो गया आपका। वैसे तो आपको 6, 3, 9, 5 और 1, 6 ऐसे खत्म करना है। 6 खत्म, 5 और 1, 6 खत्म, 7 और 5, 12, 5 और 1, 6 खत्म। 3 आपके अंदर में आएगा ही आएगा क्योंकि सभी में है 3। उसके बाद क्या बचा? 13 से चेक कर लो, 13 एकम 13, 13 पंजे 65 हो गया। 13 एकम 13, 2 उधर चला गया 13 20 0 जाएगी। 13 एकम 13, 4 उधर चला गया 45, 13 3 39, 6 उधर चला गया 13 65 13 भी आए। अंदर क्या हुआ? 195 क्या मिस्टेक करते हैं, टीचर भी करते हैं। सारा कुछ ही तो आ गया नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 15 15 2 से लिख के घर है, इसी में से तो निकाले सब कुछ। कोई वेस्ट तो गया ही नहीं है, जो कोई वेस्ट गया उसे डिवाइड कर लो, फिर मत करो मल्टीप्लाई। तो मान लो 3 नहीं होता, 3 को से डिवाइड कर सकते हो आप।